नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और वेलकम है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर भास्कर में। दोस्तों यहां आज का यह वीडियो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए है। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है और अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर आपका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है पर अभी तक इसके बदौलत आपको कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, सो दोस्तों आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाई दे रही आप इस पर कैसे कॉल करके मनरेगा जॉब कार्ड बना सकते हैं या अगर आपके पास जॉब कार्ड बना पर इसके बदौलत अभी तक आपको कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है तो कैसे आप इस नंबर पर कॉल करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे इस करियर भास्कर चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस करियर भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको ऐसी ही लेटेस्ट और योजना से संबंधित जानकारी मिलते रहेंगे। सो चलिए दोस्तों आते हैं आज की इस वीडियो अपडेट पर और देखते हैं कैसे आप फ़ोन करके मात्र एक फ़ोन करके कैसे जॉब कार्ड बना सकते हैं या अगर आपके पास जॉब कार्ड ऑलरेडी बना है तो कैसे आप इसके बदौलत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों यह नोटिफिकेशन यहां पर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 8 जुलाई 2015 को भोपाल न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। सो दोस्तों इसी में यहां पर 5वें 6वें नंबर पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं मनरेगा के इतिहास में पहली बार फ़ोन कीजिए काम लीजिए। दोस्तों मनरेगा के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट अलग अलग जिला के लिए जारी की है, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं या आपके यहाँ जॉब कार्ड बना है तो आप यहाँ पर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क करके वो जॉब कार्ड बना भी सकते हैं और अगर जॉब कार्ड बनाते रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनवाने, रोजगार प्राप्त करने अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए कॉल करें। दोस्तों अगर आप जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं या रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं या मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित अन्य कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहते तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इन नंबर पर कॉल करके रोजगार प्राप्त या फिर जॉब कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों इस जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा मैंने सोचा कि मैं खुद भी ट्राई करके देखूँ, तो दोस्तों मैंने ना बैतूल मैं बैतूल ज़िले के अंतर्गत आता हूँ तो मैंने बैतूल ज़िले के नंबर पर टोल पर कॉल किया था और उनने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप अपने ज़िला को यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने ज़िला के कॉन्टैक्ट आगे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपना जॉब कार्ड बना सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करके अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों मैं अब आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि मैंने क्या क्या बात करी। कौन बोल रहा है? मैं मनरेगा जॉब कार्ड। हाँ बोल, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताओ अपना। मैं मुल्ताई से बोल रहा हूँ। मुल्ताई लोकल से कि किसी ग्राम पंचायत से? मुल्ताई लोकल से बोल रहा हूँ। तो मुल्ताई लोकल वालों का नहीं बन पाएगा है ना? तुम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में होते तो बनता। ये जो है कॉल सेंटर ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नगरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। आप नगरी क्षेत्र के निवासी हैं इसलिए आप मुल्ताई नगर पालिका में संपर्क करो, अगर आपके लायक कोई कार्य होगा वहाँ तो आपको बताएंगे। हम सिर्फ ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम देते हैं इसके अंतर्गत। सर मेरा मामा है, बाकी जो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए मैंने लगा दिया कॉल। वो खड़कवार से है। कहाँ से? खड़कवार। हाँ तो ठीक है ना, अगर वो उसको रोजगार चाहिए तो वो खड़कवार के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कॉल कर सकता है। लेकिन आप मुल्ताई में रहते हो, मुल्ताई के लिए काम मांगोगे तो संभव नहीं है। कि अब बताओ आपको क्या करना, खड़कवार के लिए चाहिए कि मुल्ताई के लिए चाहिए? सर मुझे मेरे मामा के लिए खड़कवार के लिए चाहिए था। लेकिन हमारा मामा का नाम बताओ ना, आप बात तो करवा सकते हो, उससे बात करवाओ ना मेरी मामा से। नहीं सर मैंने आजकल मैं ये नोटिफिकेशन में देखा था तो मैं उनको बता दूंगा थोड़ी सी जानकारी लेके कि इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। अब तो हमको पूछना तो पड़ेगा, तुम्हारे मामा का नाम क्या है? लुंगसी कड़वे। लुंगसी कड़वे खड़कवार में ना? हाँ। तो क्या परेशानी है उनकी? नहीं यानी कि इसमें काम वगैरह मैंने देखा था आर्टिकल नोटिफिकेशन आया था तो काम दे रहे ना, वो इनसे पूछ तो लो पहले। तुमने फोन लगा दिया यहाँ तुम्हारे मामा का है ना, पहले मामा से पूछो तो कि तुमको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम्हारा जॉब कार्ड बना है कि नहीं बना। अगर वो बोलता है कि हमारा जॉब कार्ड नहीं बना या हमको काम नहीं मिल रहा,
तब फिर तुम फोन लगाते मुझे। हाँ ठीक है सर, है ना? हाँ, तो पहले अभी पूछ लो तुम उनसे कि तुमको पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर उसको काम मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। जॉब हाँ, कार्ड बना हुआ है तो कोई मतलब नहीं। अगर नहीं बना है जॉब कार्ड और काम नहीं मिल रहा है, मना कर रहा है ग्राम पंचायत वाला, तो फिर मुझे फोन लगाओ तुम दोबारा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सो जैसे कि दोस्तों आप लोग रिकॉर्डिंग सुनकर समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे बात हुई है, पर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो आपको इस नंबर पर कॉल करने पर सच में पूरी जानकारी मिलेंगी। सो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है और मनरेगा जॉब कार्ड बनाना चाहते या फिर मनरेगा जॉब कार्ड के अंदर रोजगार प्राप्त करना चाहते तो आप इन नंबर पर कॉल करके उन जॉब कार्ड बनवा भी सकते हैं और रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस नंबर की कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको मैं क्रॉप करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपने जिला के अनुसार आगे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है आप उन पर कॉल करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ थी आज की छोटी सी यूजफुल वीडियो की अपडेट। आपको यह अपडेट कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रामीण भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी इस सुविधा के बारे में जान सकें और इसके बदौलत अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियो अपडेट के साथ। थैंक यू।